डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th साइंस में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ रहे हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण, ये जो चैप्टर है, इसके भी हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं। अम्ल, क्षार और लवण, तो अभ्यास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। लिखा जाए क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जी हाँ, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे तो लिखा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। यानी कि जल जब उपस्थित नहीं रहेगा तब हम नहीं बोलेंगे कि वह अम्ल है, ठीक है। यानी कि जल की जब अनुपस्थिति रहेगी तब हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। कब? जल अनुपस्थित रहेगा तब, यानी कि जल अब्सेंट रहेगा तो अम्लीय माध्यम में नहीं होता है। ऐसा कारण क्या है? तो चलिए इस कारण का पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर समझते हैं। आंसर लिखा जाए 8वां का, अम्ल के अणुओं में आयनीकरण के लिए जल की उपस्थिति जल की उपस्थिति अति आवश्यक है। जल की उपस्थिति अति आवश्यक है क्योंकि आयनीकरण के बाद उत्पन्न H3O प्लस आयन, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ब्रैकेट क्लोज, हाइड्रोनियम आयन ही अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, ही अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्या वजह है कि जल जब अब्सेंट रहेगा, जल अनुपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग अम्लीय नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जिस यौगिक में, जिस अभिक्रिया में अगर जल उपस्थित रहता है, ठीक है, जल अगर उपस्थित रहता है तब उससे क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो कुल मिलाकर हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन का मतलब हुआ H3O+ आयन। और ये कब उत्पन्न होते हैं, जब जल मौजूद होता है तब। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जब किसी अम्लीय
अणु होगा, अम्ल के अणु होगा, तो उससे जो आयन उत्पन्न होगा उस आयन के रूप में H3O+ आयन मौजूद होते हैं जब जल रहेगा तब। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में कौन सा आयन मौजूद होते हैं? H3O+ आयन मौजूद होता है, और इस आयन के मौजूदगी के कारण ही इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अगर ये आयन उत्पन्न होता है तभी हम बोलेंगे कि यह अम्ल है, जबकि यह आयन उत्पन्न नहीं होता है तब हम बोलेंगे कि नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका कारण यही हुआ कि जल के साथ किसी का भी अभिक्रिया करके H3O+ आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, और हाइड्रोनियम आयन उपस्थित रहते हैं या उत्पन्न होते हैं तब इसको हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग इसको कहते हैं कि अम्ल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है जलीय माध्यम में और जल की उपस्थिति में नहीं करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिखा जाए पहले। तो 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखा जाए 5 विलयनों A, B, C, D, E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। 9 प्राप्त होते हैं। पूर्ण विराम। कौन सा विलयन करके उसके नीचे ए सवाल है, बी सवाल, सी, डी, ई। कौन सा विलयन अब ए बी सी डी ई करके उसके नीचे क्वेश्चन है, तो ए में लिखिएगा उदासीन है। ये वाला में क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा विलयन, ए उदासीन है, बी में लिखिएगा प्रबल क्षारीय है, बी वाला में प्रबल क्षारीय है, सी वाला में लिखेंगे प्रबल अम्लीय है और डी वाले में लिखेंगे दुर्बल अम्लीय है, और ई वाला में लिखेंगे दुर्बल क्षारीय है। हो गया, यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। फिर उसके नीचे से क्वेश्चन लिखना है पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि पीएच मान दिया है। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर में हम लोग करके ये बात को लिखेंगे कि भाई मेरे पास 5 तरह का परख नली है। इधर परख नली और इधर उसका पीएच मान। ठीक है, परख नली ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, और यहाँ पे हम लोगों को दिया है, उत्तर में लिख देंगे ऊपर दिया है। ठीक है, इसमें से बोल रहा है क्या क्या दिया है भाई, तो आप उत्तर में लिखिएगा कि दिया है एक तरफ परख नली बनाइएगा, एक तरफ पीएच मान बनाइएगा। परख नली में ए बी सी डी ई दे दिया, और पीएच मान यहाँ आप देख पा रहे होंगे एगो का 4 है, 1 है, 11 है, 7 है और 9 है। तो यानी कि ए के लिए हो गया शुरू में लिखा है 4, तो ए का 4, फिर बी के लिए हो गया 1, सी के लिए पीएच मान 11 और डी के लिए 7 और ई के लिए 9, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब ये टेबल बना लिए, यही हम लोगों को दिया हुआ है।
अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से उदासीन कौन है, तो उदासीन इसमें से कौन सा है, परखनली है या सॉरी यहाँ पे विलियन लिख दीजिएगा, विलियन ठीक है, क्योंकि विलियन लिखा है परखनली नहीं, ठीक है। तो अब ये नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा उदासीन है, तो उदासीन पीएच मान को देखिए कि इसमें से उदासीन किसको कहते हैं, उदासीन उसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है, तो 7 किस विलियन का है, डी का, तो यहां एक आंसर हो जाएगा विलियन डी कॉमा इसका पीएच मान कितना 7, ठीक है। तो पूछ रहा था ए वाला विलियन में कि कौन सा विलियन उदासीन है, ठीक है, तो उदासीन वाला में हम लोग आंसर क्या करेंगे, उदासीन हो जाएगा हम लोगों का डी, क्यों उदासीन होगा डी, क्योंकि पीएच मान इसका होता है 7। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, प्रबल क्षारीय है, तो प्रबल क्षारीय किसको कहेंगे, बी वाला में बोल रहा है प्रबल क्षारीय, तो क्षार का वैल्यू देख लो, हम आपको समझा देते हैं, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 होता है, बीच में 7 होता है, 7 को उदासीन कहते हैं, 0 से 7 को अम्ल कहते हैं, 7 से 14 को क्षार कहते हैं, ठीक है। अब 0 से 7 को अम्ल कहते हैं, तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जो 0 से 7 के बीच में होगा उसको अम्ल कहेंगे और जो 7 से 14 के बीच में होगा उसको क्षार कहेंगे, लेकिन अब प्रबल क्षार किसको कहेंगे, तो जो 14 के करीब होगा उसको प्रबल क्षार कहेंगे, ठीक है। और प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, तो जिसका 0 के जो करीब होगा, याद रखिए 0 के जो करीब रहता है उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो 14 के करीब रहता है उसको कहते हैं प्रबल क्षार। बी नंबर में बोल रहा है कि प्रबल क्षार कौन है, तो 14 के करीब कौन सा है, तो 11, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विलयन सी और इसका पीएच मान कितना 11। प्रबल क्या हो गया, ये प्रबल क्षार हो गया। अच्छा सी वाला में बोल रहा है कि प्रबल अम्लीय कौन है, ओ सॉरी सी में बोल रहा है प्रबल अम्लीय, तो प्रबल अम्लीय किसको कहते हैं, जो 0 के करीब रहता है, तो 0 के करीब कौन सा है, 1, तो याद रखिएगा 0 के करीब वाला को हम लोग कहते हैं प्रबल अम्लीय, और 14 के करीब वाला, क्योंकि हाईएस्ट तो 14 होता है, तो 14 के करीब वाला को हम लोग कहते हैं प्रबल क्षारीय, तो सी नंबर में प्रबल अम्लीय कह रहा था, तो प्रबल अम्लीय कह रहा था, यानी कि देखिए हम आपको एक आइडिया दे देते हैं किसको क्या कहते हैं। सबसे पहले जिसका पीएच मान 7 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो उदासीन, इसका इसी नाम पता चल रहा है। और अगर प्रबल अम्लीय 0 के करीब रहेगा, ये हम आपको याद करवा दे रहे हैं, 0 के करीब रहेगा तब उसको आप क्या क्या कहिएगा, 0 के करीब रहेगा तो उसको आप प्रबल अम्ल कह सकते हैं, प्रबल अम्ल कहिए, या फिर इसको आप कहिए दुर्बल क्षार। इसका दो गो नाम है, जो 0 के नज़दीक होता है उसको हम लोग प्रबल अम्ल भी कह सकते हैं, दुर्बल क्षार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को यहाँ पे दुर्बल क्षार कह, सॉरी यहाँ पे एक हम लोग गलती कर दिए, इसको प्रबल अम्ल ही कहेंगे, ठीक है। 0 के करीब वाला को प्रबल अम्ल और 14 के करीब वाला को हम लोग क्या कहेंगे, 14 के करीब वाला को प्रबल क्षार कहेंगे, प्रबल क्षार, ठीक है। और 7 के करीब रहेगा, 7 के करीब में अगर बड़ा रहेगा, 7 के करीब वाला जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। और 7 के करीब अगर छोटा रहेगा, देखो 7 के करीब छोटा लिखे हैं तब उसको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो इतना सारा अगर आपको याद रहेगा चीज तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि हम लोग
उदासीन किसको कहते हैं? तो सात को। जीरो के जो करीब रहेगा, क्योंकि जीरो से लेकर 14 तक ना होता है स्केल पर, तो जो जीरो के करीब होगा उसको प्रबल अम्ल, जो 14 के करीब होगा प्रबल क्षार। लेकिन सात के करीब का मतलब समझिए, आपको जीरो से लेकर 14 तक जाना है, तो इधर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे ही होगा। अब सात के करीब तो कुछ कुछ भी हो सकता है, सात के करीब 6 भी है, सात के करीब 5 भी है, सात के करीब 8 भी है, सात के करीब 9 भी है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे लिखा है सात के करीब में अगर बड़ा रहेगा सात से, जैसे कि 8, 7.5, तब इसको हम लोग कहेंगे दुर्बल क्षार। ठीक है, सात के करीब में अगर बड़ा रहेगा तो दुर्बल क्षार, और सात के करीब में अगर छोटा रहेगा, जैसे सात के करीब है 6 लेकिन सात से छोटा है, तब इसको हम लोग कहेंगे दुर्बल अम्ल। तो बात आप ध्यान से सीखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि पहला में कि उदासीन कौन है, तो उदासीन बिलियन डी है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 है। फिर दूसरा बोल रहा है बी वाला क्वेश्चन, प्रबल क्षारीय कौन है, तो प्रबल क्षार के बारे में हम लोग सीखे कि जो 14 के करीब है, तो एक में 14 के करीब कौन है, 11, तो इसलिए दूसरा का आंसर हो गया बिलियन सी, इसका पीएच मान 11। फिर सी नंबर में बोल रहा है प्रबल अम्लीय कौन है, तो प्रबल अम्लीय का डिफिनेशन क्या है, जो जीरो के करीब है, तो इसमें जीरो के नजदीक कौन आता है, तो 1, इसलिए सी का आंसर हो जाएगा बिलियन बराबर बी, जिसका पीएच मान कितना है, 1। ठीक है, और डी वाला में सवाल में क्या है, दुर्बल अम्लीय कौन है। ठीक है, तो अब इसमें दुर्बल अम्लीय चुनना है कि दुर्बल अम्लीय कौन है, तो दुर्बल अम्लीय का डेफिनेशन यहां ना है दुर्बल अम्ल, इस सात के करीब होना चाहिए लेकिन सात से छोटा होना चाहिए। तो देख लो सात के करीब कौन है, तो सात के करीब 9 आ रहा है और सात के करीब 4 आ रहा है ना, तो सात के करीब 9 है, माने सात के आसपास 9 है, क्योंकि सात के आसपास 11 तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, और सात के नजदीक में 4 है लेकिन छोटा वाला, तो सात के नजदीक में 4 है और छोटा भी है, इसलिए इसको कहेंगे बिलियन ए, और इसका पीएच मान कितना बराबर, पीएच मान बराबर 4। ई वाला में देख पा रहे होंगे, ई वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दुर्बल क्षारीय है, तो दुर्बल क्षार किसको कहेंगे हम लोग, तो जो सात के करीब होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, तो सात के करीब देख लो 9 है लेकिन सात से बड़ा भी है, इसलिए दोनों बात याद रखना है, सात के करीब होना चाहिए लेकिन जो सात से बड़ा रहेगा उसको हम लोग कहेंगे दुर्बल क्षार। तो सवाल था ई में दुर्बल क्षार, तो सात के करीब 9 है और इसका नाम है बिलियन ई, ठीक है, इसका पीएच मान कौन सा 9, ठीक है, पीएच मान बराबर 9। अब इस सब का आंसर तो दे दिए, उसके बाद भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में पीएच मान, आरोही क्रम में बिलियन के पीएच मान, बिलियन के पीएच मान। अब आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम हमेशा किससे छोटा शुरू करते हैं, तो छोटा से शुरू करते हैं तब ना धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका मतलब उल्टा होता है, जब बढ़ते क्रम अगर बोलेगा तो उसको छोटा से शुरू करना होता है, और अगर अवरोही क्रम रहता, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, तब बड़ा से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आरोही क्रम में शुरू करना है, लिखना है, तो आरोही का मतलब इसमें से छोटा कौन सा है भाई, तो सबसे पहले 1, उसके बाद कौन सा, उसके बाद हो गया तुम्हारा 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ठीक है। और इसका अगर बिलियन का अगर बात करें, तो बिलियन में कौन कौन सा आरोही क्रम होगा, तो 1 कौन सा बिलियन का है, तो 1 बी का है, तो बी, उसके बाद 4 किसका है, ए का, 7 किसका है, 7 है डी का, और फिर हो गया 9 किसका, ई का, और 11 किसका, 11 सी का। तो इस तरीके से इसको ऑर्डर में सजा देंगे, क्रम में सजा देंगे, यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्त 9 तक के ही आज छोड़िए, और फिर हम लोग कल
से क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे इस साइंस के सब्जेक्ट में। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।